भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना केस का दैनिक आंकड़ा 2000 के पार बना हुआ है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2685 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले भारत में 2710 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो कोरोना के नए मामलों में बेहद मामूली गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। इसके साथ ही देश में कुल 5,24,572 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,158 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक कुल 4,26,09,335 लोग रिकवर होने में सफल रहे हैं, लेकिन सक्रिय मामलों में मामूली बढ़त भी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 494 की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 16,308 पहुंच गई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.75% पर बना हुआ है। वहीं पॉजिटिविटी रेट पिछले दिन की तरह 0.58 दर्ज किया गया है। राज्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 445 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान एक भी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 2.4% दर्ज किया गया है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 1,627 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिन यहां एक मरीज ने कोरोना से जान गंवा दी। राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 2,568 है। राजस्थान में बीते दिन 113 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट किए गए, जबकि कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा हरियाणा में 236 और कर्नाटक में शुक्रवार को 171 नए कोरोना केस सामने आए। दोनों जगह कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 27 मई तक देश भर में कुल 193.13 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन देश में 14,39,466 वैक्सीन के टीके लगाए गए।